आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूँ, भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ, लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूँ, जी भी नहीं सकता हूं। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान, लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया, पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई।